व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक हैं। तो हम जा रहे हैं गुफार भाई से मिलने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो जैसे आएंगे हम उनसे मिलेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जैसे कि लोग बहुत ही ज़्यादा बातें बना रहे थे कि ये झूठ है, ऐसे है वैसा है। ये हम लोग CMH हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती है। यहाँ पे एंटर होने से पहले उन्होंने मेरे भाई का आईडी कार्ड को स्कैन किया है और उन्होंने डाटा कंप्लीट अपने पास रखा। जारी बात है, आर्मी है तो हर चीज़ का उनको ख्याल रखना पड़ता है। और इधर हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, बस उनके साथ हमारी फ़ोन पे बात हुई है तो वो कहते हैं कि हम लोग इस जगह पे, हम लोग भी उसी जगह पे आ गए। बस वो अभी हमारे साथ मिलेंगे। और खुदा रहा अब कोई भी ना कहे कि ये झूठ है, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी का कोई भी नहीं ये कह सकता कि ये झूठ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र भी, हम भी ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर गफ्फार भाई आते हैं उधर लाहौर में तो हम इनसे मुलाकात करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग आ गए इनसे मिलने के लिए। और इस वक्त हम लोग हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, मेहरबानी जी, इन्हों की बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने सब तो पहले साढ़े को पहुंचे। सुबह इतने परेशान हो रहे थे तो असी एक घंटा मतलब बाहर इंतजार भी किया, सारे अपनी भैन भाइयों का कोई भी नहीं आया, लेकिन आंटी ने आए। इन्हों की बहुत मुहब्बत है, इन्हों का बहुत ज़्यादा प्यार है साढ़े नाल। अल्लाह सोना इन्होंने खुश रखे, आबाद रखे। हाँ जी, ये कली आंटी ने आई, आंटी ने माशाल्लाह बहू भी आई है, बेटी भी आई है और आंटी के दो बेटे भी आए हैं। बिल्कुल और ये वीडियो हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग कहते थे कि ये झूठ है, भाई बीमार नहीं है। तो इसलिए हम लोग आए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हॉस्पिटल में हम लोग बैठे हुए हैं और ये इनके ये रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें इनकी। जी जी, बेटा सी मेरा छोटा जिना बेटा, मैं अपना घर छोड़ के ही हाँ। कोई किसी ने शौक नहीं मानूँ कि अपना बेटा घर रवा के तो झूठ बोल के तो बाहर अस्पतालों में शरीर खबार हो, ठीक है ना। ये जो सा बारे भी इस तरह बोल रहा वा वो गलत बोल रहा। हाँ, इसकी वैसे ताज़ी रिपोर्ट आ बिल्कुल दे सकते हो, मेरे डॉक्टर ने चेक भी नहीं, CT स्कैन आज तक बिल्कुल ताज़ा, ठीक है ना। ये उत्ते भी कोई डाउट है, कुछ रिपोर्टा ने टेस्ट होने वास्ते कि हुई ये उत्ते भी डाउट है, ज़्यादा इन्हों हाथ भी लगा सकते क्योंकि डॉक्टर ने चेक करना। काफ़ी सारी रिपोर्टा आंटी, तुम सा मुकम्मल वीडियो बना लो रिपोर्टा में, क्योंकि जो है ना इरम आपी वो कह रही थी कि मैंने पता करवाया कि ये झूठ है, कोई बीमारी नहीं है, मैंने ये CMH हॉस्पिटल में पता करवाया कि ये झूठ है। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, हम यहाँ पे आए हैं। मगरब की अजान हो रही है, सही कहेंगे जो कहता है कि झूठ है, अल्लाह पाला करे। बिल्कुल, ये देखें आप, ऐसा मतलब भट्टी साहब इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और इन्होंने ही अपडेट वगैरह का जो भी करना है इन्होंने करना, बाकी जितने भी हैं बहुत दवाई हुई है इन्होंने, ये हमारे CMH मुल्तान की है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं ये सामने आपके लेके आऊंगी कि ये झूठ नहीं है, वाकई भाई बीमार है। ये भी मुल्तान की है, जी। ऐसे मजदूर भट्टी साहब को जब पिछली दफा चेक कराने आए थे ना तो उन्होंने ये मैं दिखा रही हूँ आपको, एक दफा ना आप हाथ वाले को भी चेक करवा लें। आर्मी का एरिया है, इसलिए पूरी वीडियो, और ये आर्मी का एरिया है इसीलिए वजह से मैं बिल्कुल सही तरह से कैप्चर नहीं कर सकती, बिल्डिंग की वीडियो नहीं बना सकती। ये देखें, ये सारी रिपोर्ट्स, इतनी रिपोर्ट्स तो कोई भी झूठा बंदा नहीं मतलब इतना करवा सकता जिस तरह ये है। CMH कैफेटेरिया में ले बगैर रिपोर्ट सामने लिखे लगना कैफेटेरिया की वीडियो बना। और अभी बस इन्होंने डॉक्टर्स के पास जाना चेक करवाने के लिए। ये देखें कितनी रिपोर्ट्स हैं, ऐसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे, हर आने वाली दुख तकलीफ तुम जाते सदवाना लाई वीडियो शुरू कर दें। शुरू करने तो पहले छोटी जी रिक्वेस्ट, जिन्हें मेरे भैन भरावों ने साडा चैनल नहीं सबसक्राइब किया सबसक्राइब कर, बैल बटन लाजमन प्रेस कर ताकि साड़ी हर आने वाली वीडियो बाबा कटिया तक पहुँच जाए। आज की वीडियो कुछ इस तरह वा कि माँ जी सू मिलन लिए आए वा CMH में, तो बहुत बहुत इन्हों का शुक्रिया अदा अं करते हैं दिल तो कि साढ़े मगर आए वा। तो बाकी भैन भरावों अगे भी छोटी जी रिक्वेस्ट है, अर्ज है कि इन्हों का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तेन, तो मेरे भैन भरा ज्यादा से ज्यादा इन्हों सपोर्ट करो, प्यार करो जिस तरह सानू की है, ताकि इन्हों की भी हौसला अफजाई हो। बाकी जी भाई अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।
बाकी जो भी सच होया फिर आंटी जी अपनी वीडियो तुम दसनगे सच आ जा झूठ है अभी तो आ गए हैं बाकी अल्लाह ताला इज़्ज़त वो जिस तरह मतलब कि यूके वाली सिस्टर इडम आती हैं वो करें जिस अस्सलाम वालेकुम बस तो हमने ये बस यही बात करनी थी कि वो यूके वाली है सिस्टर वो कह रही थी ये झूठ है मतलब कि मेरी डॉक्टरों से भी बात हुई है तो हमने अपने चैनल पे यही वादा किया था कि हम लोग ना जाके बात करेंगे और सच्ची बात ही दिखाएँगे झूठ नहीं है अल्लाह का शुक्र है हमने ना झूठ बोला है ना ही बोलेंगे हम दिखाएँगे जिस तरह के सारा रिकॉर्ड है हमने देख लिया है बोलता तो ऐसी ही बात है अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत तंदुरुस्त वाली ज़िंदगी दे और वो झूठ वाली बात ही ऑपरेशन वाली हो जाए कि बग़ैर ऑपरेशन के अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे लेकिन अभी तो आए हैं अब देखते हैं आगे तो क्या बनता है अल्लाह ताला आसानियाँ करें इनके लिए बस जी टेस्ट चालू हो गए जी कुछ टेस्ट हो गए कुछ रह गए हौसला अफजाई कर सकन क्योंकि इन्होंने भैन भरावान दूसर हौसला अफजाई करते हैं क्योंकि ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੇ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਪਾਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ और जी जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया सब कुछ आपको सच सच दिखाया है कि जो कह रहे थे कि ये झूठ है कोई भी इंसान अपनी बीमारी का इतना बड़ा झूठ नहीं बोलता और ये आर्मी का हॉस्पिटल था यहाँ पे तो अलाउ ही नहीं था वैसे आना और मतलब जैसे वो चेकअप करवा रहे थे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता तो अभी हम लोग घर पहुँच चुके होंगे और मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें दिखाऊँगी जो कि मैंने मतलब आप लोग के साथ कहा था कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी हम लोग वहाँ पर गए हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें लाइक करें शेयर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा हमें दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।